नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन इंडिया पर। और अभी हम बात करने वाले हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। अगर आप भी अपने बुढ़ापे को लेकर परेशान हैं कि आप बुढ़ापा कैसे बिताएंगे, यानी कि जब आप 60 साल के ऊपर के हो जाएंगे और आप उस समय कमाने लायक भी नहीं रहेंगे, ऐसे में आपकी जिंदगी कैसे गुजरेगी, तो इसको लेकर प्रधानमंत्री ने एक बहुत शानदार स्कीम निकाली है जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। आपको इस योजना के बारे में हो सकता है कि पहले से पता हो, लेकिन अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ये जानकारी हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करिएगा। और अगर आप आगे भी ऐसे ही योजनाओं के बारे में जानकारियां देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इसी योजना के बारे में बिल्कुल पूरी जानकारी विस्तार से। तो मोटा माटी इस योजना के बारे में आपको बताए तो इस योजना में आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होगी और उसी इन्वेस्टमेंट के कारण आपको मिलेगी एक पेंशन। ये पेंशन 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक हो सकती है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट पर आधारित होने वाली है, यानी कि आप 1000 रुपए पेंशन लेना चाहते हैं या 2000, 3000, 4000 या 5000, ये सारी की सारी बातें आपके ऊपर ही निर्भर करती है। आपको एक महीने में कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होगी, उसी के आधार पर आपको पेंशन मिलने वाली है। तब आपको आगे बताते हैं पूरी विस्तारित जानकारी। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको पहले रुपए जमा करवाने होंगे, उसके बाद आपको 60 साल की उम्र होने के बाद रुपए मिलेंगे। ऐसे में अगर आप पहले रुपए लेना चाहते हैं तो क्या आप रुपए ले सकते हैं, ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब होने वाला है बिल्कुल हाँ। अगर आप 60 साल की उम्र से पहले इस योजना से बाहर निकलना चाहते हैं तो ऐसे में आपका बैंक खाता जिस भी बैंक में है वहां आपको जाना पड़ेगा और इस योजना का क्लोजर फॉर्म भरना पड़ेगा। और जैसे आप क्लोजर फॉर्म भरेंगे तो उस फॉर्म की जांच होगी और जांच होने के बाद अगर सही पाया जाता है कि आप उस फॉर्म को भर रहे हैं और कारण भी सही है, तो ऐसी स्थिति में आपका खाता बंद कर दिया जाएगा और जो भी रुपये आपने भरे हैं वो रिफंड कर दिए जाएंगे। तो अब बात सामने आती है कि आपको कितने रुपये जमा करवाने पड़ेंगे, यानी कि अगर आप 18 साल के हैं तो कितने रुपए जमा करवाने पड़ेंगे और 40 साल के हैं तो कितने रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। यानी कि आपको बता दें 18 साल से लेकर 40 साल वाला इस योजना में फायदा ले सकता है। अगर 18 साल वाले व्यक्ति की बात करें तो ऐसे में उसे अगर 1000 रुपए की मासिक पेंशन लेनी है 60 साल की उम्र के बाद तो ऐसे में 42 रुपए, और अगर उसे 2000 की लेनी है तो 84 रुपए, वह 3000 के लिए 126, 4000 के लिए 168 और 5000 के लिए 210 रहने वाली है। ऐसे 18 के बाद 19, 20 और 40 साल की उम्र वालों के लिए सबके लिए अलग अलग रुपए हैं। यानी कि पहले आपको हर महीने रुपए जमा करवाने पड़ेंगे और उसके बाद आपको ये रुपए वापस मिल जाएंगे पेंशन के रूप में, और इससे अधिक भी मिलेंगे आपको, इससे अधिक ही रुपए मिलने वाले हैं क्योंकि इससे बहुत ही कम रुपए जमा होने वाले। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको जमा करवाने अगर आप 1000 रुपए की किस्त लेना चाहते हैं तो 42 रुपए और आपको तब मिलने वाले 1000 रुपए, यानी कि सीधा सा फायदा तो है लेकिन आपको बहुत लंबा इंतजार भी करना पड़ेगा। ऐसे में कई सारे लोग इस योजना से एग्जिट भी करना चाहते हैं, तो हमने आपको एग्जिट का तरीका भी बता दिया है। अब बात आती है कि आप इस योजना का फायदा कैसे ले सकते हैं। तो इस योजना का फायदा आप सभी बैंकों से ले सकते हैं, यानी कि जो भी नेशनल बैंक आपके आसपास बने हुए हैं, चाहे वो SBI हो या फिर वो यूको बैंक ही क्यों ना हो, बड़ौदा बैंक हो या फिर अन्य बैंक जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, और ऐसे ही कई सारे बैंक जो भी आपके शहर में, वहां पर आप जा सकते हैं और वहां से आप अटल पेंशन योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपके पास आपका आधार नंबर होना चाहिए और आपके पास एक अकाउंट भी होना चाहिए, नहीं है तो आप खुलवा सकते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए और इसके लिए फॉर्म भी आपको बैंक से मिल जाएगा। अगर आपको उसका PDF चाहिए फॉर्म का तो हम वो भी आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता देना। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो में हम लेकर आए थे अटल पेंशन योजना के बारे में जानकारी। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे अन्य योजना के बारे में जानकारी। अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक और अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।